जी जय हिंद, जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं गिरिडीह। बताते चले कि आगामी 2 दिनों तक भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत गिरिडीह जिले के लगभग सभी विधानसभा में कई कार्यक्रम आयोजित कर बहनों से मिलकर मोदी जी के कार्यों को अंतिम पायदान तक पहुँचाने का कार्य करना है, तथा नवयुवति मतदाता की वोटर से मुलाकात, प्रमुख मंदिर के दर्शन, लाभार्थी बहनों से मिलकर सेल्फी लेना और मोदी सरकार के लिए उनके विचार लेना, आंगनबाड़ी सेविकाओं से मिलना, स्वयं सहायता समूह की बहनों से मिलना, बूथ स्तरीय, मंडल स्तरीय एवं जिला स्तरीय बैठकें करवाना, इन सारे कार्यों को निष्पादित करवाने हेतु जम्मू से 2 दिवसीय प्रवास पर महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती वैष्णो देवी जी आई हैं, साथ में जिला प्रभारी के रूप में परमंडलीय प्रभारी श्रीमती ऋतु रानी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वस्थ रहने का मंत्र देते हुए मिलेट्स अर्थात मोटा अनाज खाने की सलाह देते हुए लोगों के बीच भी इसे बढ़ावा देने की सलाह दी है। इस कड़ी में आज मंगलवार को भाजपा नेत्री शालिनी वेसिकियार के आवास में भाजपा नेता, कार्यकर्ता व स्थानीय लोगों के साथ मिलेट्स के भोजन को जन आंदोलन बनाने की सलाह देते हुए प्रवासी भाजपा महिला नेत्रियों ने कहा कि इसमें पोषण अभियान को बढ़ावा मिल सकता है। प्रेस वार्ता के पश्चात सभी ने रागी से तैयार व्यंजनों में राई की इडली, मक्के की रोटी के साथ नारियल की चटनी सहित अन्य डिश बनाई गई थी। बताते चलें कि संयुक्त राष्ट्र ने मोटे अनाज के फायदों को देखते हुए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। कार्यक्रमों में महिला मोर्चा की अध्यक्ष संगीता सेठ की अध्यक्षता रही, साथ में उषा कुमारी, जिला महामंत्री सोनिया कौशिक, पिंकी सिंह, मीना गुप्ता, अंजना मिश्रा, संजू देवी, लता वर्मा, बेबी देवी आदि उपस्थित रही। आइए देखते हैं इस दौरान किसने क्या कहा, तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। हमारे चैनल की खबरों से बने रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। आपके दर्शकों का, जितने भी हमारे पदाधिकारी भाई जी इधर झारखंड में हमारे जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं और इनकी सीनियर टीम जो सारी पदाधिकारी सीनियर पदाधिकारी हमारे बीच में बैठे हैं, हमारी महिला मोर्चा की अभी अध्यक्षा जी बैठी है और हमारे साथ में जिनकी ड्यूटी लगाई है वो भी प्रभारी इधर की वो भी हमारे बीच में है। सभी हम सीनियर कार्यकर्ता जो झारखंड जिले में हम बैठे हैं, गिरिडीह जिले में हम बैठे हैं, मैं जम्मू कश्मीर से प्रदेश उपाध्यक्ष को मौका मिला है आपके झारखंड में आने का। हमारी प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती संजीता डोगरा जी भी हमारे बीच में हैं। हम चार बहनें जम्मू कश्मीर से आई हैं, मेरी ड्यूटी गिरिडीह में ही लगी है, जिला गिरिडीह मिला है मुझे, तो हमें ये पूरा विश्वास है कि हमारे गिरिडीह जो जिला मिला है मुझे ये बहुत ही एक्टिव है, जो जिला अध्यक्ष हैं ये भी बहुत एक्टिव हैं, योगदान महिलाओं का हर पल समय इनको मिलता है, जितनी भी महिला हैं नारी शक्ति वो भी एक्टिव हैं। हमें पूरा विश्वास है हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना जो है अभी पूरा हो जाएगा, जो कमी पेशी रह गई है वो अभी हमारी महिलाएं और हमारे भाई जी सभी पूरी करेंगे। और इसके बाद में मुझे 2 दिन का प्रवास मिला है इधर, तो कल के हमारे 7 प्रोग्राम हो चुके हैं, आज का जो प्रोग्राम है हमने हॉस्पिटल में जाके फल वितरण करना है और बाकी 2-3 कार्यक्रम हो रहे हैं, उन्हीं के साथ भी हमने मुलाकात करनी है। इसके चलते हुए सभी को धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे। बंदर अधिनियम आया है, आंचल का परचम सारे भारत में लहराया है। इंदिरा, विजया, सुषमा, शीला की आसी से आसमां से मिलती है, चाहे किसी भी दल वर्ग की हो, हम केवल नारी शक्ति हैं। अपने सामर्थ्य का लोहा हमने मनवाया है, आंचल का परचम लहराया है। राम मोहन, दयानंद, विद्यासागर ने अलख जगाया था, गौतम, कबीर, नानक और गांधी ने भी पाठ पढ़ाया था, अहिल्या, सावित्री के प्रयासों ने रंग लाया है, आंचल का परचम लहराया है।
कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से चलकर हमारे बीच वहाँ की प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा आदरणीय वैष्णो देवी दीदी आई हुई हैं, तो उनके साथ हम गिरिडीह जिले में अलग अलग विधानसभा में, आप जान रहे हैं कि गिरिडीह जिला बहुत बड़ा है और हम महिलाओं के लिए दो दिन में हर विधानसभा में कार्यक्रम करना एक चुनौती है, लेकिन हम उस चुनौती को स्वीकार करते हुए और लगभग कल हमारे 7 से 8 कार्यक्रम हुए अलग अलग जगह पर हमने किया। मोटा अनाज से शुरू हुआ था कल का कार्यक्रम, जो आप देख रहे होंगे कि हमारे माननीय मोदी जी ने मिलेट को लेकर के काफ़ी जागरूकता फैलाई है, जो बीमारियां पनप रही थी ये मैदा और तरह तरह के पदार्थ खाकर, फास्ट फूड खाकर, तो उन्होंने मिलेट को काफ़ी बढ़ावा दिया है, मिलेट ईयर भी घोषित किया है और उसको लेकर के कल मिलेट से काफ़ी सारे व्यंजन बने थे महिलाओं द्वारा, हम सब ने मिलकर बनाया और उसको सबको खिलाया खाया था। तो एक जागरूकता फैलती है कि इससे स्वास्थ्य लाभ है। उसके अलावा हम लाभार्थी बहनों से मिले थे, उनके साथ सेल्फी लिया, उसके अलावा की वोटर्स जो हमारी महिला बहनें हैं जो उनके साथ भी हम सभी की मुलाकात हुई थी, बैठकें हुई थी, और उसके अलावा स्वयं सहायता समूह की बहनें, आंगनबाड़ी की बहनें, अलग अलग जगहों पर हमने किया, बगोदर विधानसभा में भी किया, डुमरी विधानसभा में भी किया और आज भी हमारे पंक्तिबद्ध एक के बाद एक कार्यक्रम है, तो अभी उसी सिलसिले में हम फल वितरण महिला जो पेशेंट है हमारी चैताड़ी सदर अस्पताल में उनके बीच जा रहे हैं। उसके बाद हमारी मंडल की बहनों के साथ और जिले की बहनों के साथ पदाधिकारी सत्कार समिति की बैठक है और उसके अलावा आज और भी कई कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की बहनों के साथ बैठक है। तो अलग अलग जगहों पर हम कतारबद्ध पंक्तिबद्ध एक एक कार्यक्रम करते चल रहे हैं। दो दिन के अंदर लगभग गिरिडीह का 75-80% जिला हम कवर करके चल रहे हैं। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा, आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।